उन सब के ऊपर प्रभाव डालेगा, जैसा मेरा भाव बनेगा वैसे वहां से रस निकलने शुरू होंगे, हार्मोन्स निकलने शुरू होंगे, और वो जो रस है, जो हार्मोन्स है, वो मेरे पूरे के पूरे शरीर तंत्र को और मेरे भाव तंत्र को चलाने का काम करते हैं। तो एक है फिजिकल सिस्टम और एक है न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम। ये फिजिकल बॉडी की फिजिकल साइज की बात है, ये मेडिकल साइज की बात है। मेडिटेशनल साइंस में हम इससे एक कदम आगे जाते हैं। हमारा अस्तित्व केवल शरीर नहीं है, हमारा अस्तित्व शरीर और आत्मा दोनों है। आत्मा से जो तरंगें आती हैं, आत्मा से जो ऊर्जा आ रही है, वो सबसे पहले मेरे भाव जगत में उतरती है। इमोशनल को फिजिकल लेवल पे आप कहीं नहीं देख सकते कि मेरे इमोशंस कैसे हैं। मेरे क्रोध को कैप्चर करने का फिजिकल सिस्टम में कुछ भी नहीं। I cannot capture by taking the camera or by taking a PET scan कि अब उसका एक्सरे किया और मेरा गुस्सा कैसा है, मेरा भाव कैसा है, जो भाव की तरंगें उठ रही हैं, वो ओरा स्कैनिंग आजकल जरूर शुरू हुई है। यहाँ पे भी हम उपयोग करते हैं, हमारे ओरा स्कैनिंग करते हैं, तो ओरा स्कैनिंग के माध्यम से हम आपके अंदर किस प्रकार के रंग हैं, उस रंगों को देखकर के स्कैनिंग करके आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपके भाव जन होने का परिवर्तन होगा। ये भी माना जाता है कि ओरा में जो चीज आ जाती है फिजिकल लेवल के ऊपर, वो चीज 6 महीने बाद कही जाती है। आज हमारी बात आपके हो सकता है ओरा में आ जाए, फिजिकल लेवल पे बाद में आ जाए, तो अगर आप 6 महीने पहले इसको करेक्ट कर लेते हो तो फिजिकल लेवल पे उसके आने की संभावना को भी हम लोग समाप्त कर सकते हैं। तो जो भाव जगत में उतरता है वो मेरे ओरा में आता है, और उसके स्थान भी वही है जो न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम है, जिसे हम लोग यहाँ पर चोटी का भाग कहते हैं। इसे मेडिटेशन साइंस में हम लोग कहेंगे कि हमारा ज्ञान केंद्र है। जो यहाँ पर थायराइड कहते हैं उसको हम लोग मेडिटेशन साइंस में कहेंगे विशुद्धि केंद्र है। इसे पिट्यूटरी कहते हैं तो मेडिटेशन साइंस में उसको आज्ञा चक्र कहेंगे, अथवा प्रेक्षा जान में उसे हम लोग दर्शक केंद्र कहेंगे। इसे हम लोग ज्योति केंद्र कहेंगे, जिसको फिजिकल साइंस के अंदर पीनियल ग्लैंड कहते हैं। तो जब इन केंद्रों के ऊपर हम ध्यान करते हैं, और जैसे ही हम वहां ध्यान करना शुरू करते हैं, वो मेरी ऊर्जा का केंद्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो ऊर्जा का केंद्र एक्टिवेट होना शुरू होता है, वैसे ही वो मेरे ग्रंथि तंत्र को प्रभावित करना शुरू करता है, और उस ग्रंथि तंत्र से निकलने वाले जो श्राव है, जो हार्मोन्स है, उनका जो केमिकल कंपोजिशन है, उनकी जो मात्रा है, उसमें परिवर्तन आना शुरू होता है, और मैं फिजिकल लेवल के ऊपर स्वस्थ होना शुरू कर देता हूँ। ये उसका ग्रंथ। अब उसके साथ अगर विशेष रंग जोड़ लेते हैं तो उन रंगों का प्रभाव भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त जहां जैसा जो चिंतन मैं करता हूं, वैसे ऊर्जा के परमाणु मैं ब्रह्मांड से ग्रहण करता हूं। यह प्रकृति का नियम है। आपने जो विचार जिस वक्त जैसा किया, आपने काले रूप का सोचा, काले रंग के परमाणु को ग्रहण करना शुरू कर दिया, आपने करेले के जूस के बारे में सोचा, उसके स्वाद को ग्रहण करना शुरू कर दिया, आपने आइसक्रीम के बारे में सोचा, उसका स्वाद आपकी जीभ पर आना शुरू हो गया, आपने किसी मित्र की अच्छी बात के बारे में सोचा, वैसा मन के अंदर भाव बनना शुरू हो गए, और वैसा मेरे पूरे न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम, पूरे फिजिकल सिस्टम के ऊपर प्रभाव होना शुरू हो जाता है। तो जो उसको हम लोग दिशा देंगे, उसी के साथ उसका प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। तो महावीर की साधना पद्धति में इसको हम अपने आत्म विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं। महावीर ने की साधना पद्धति के अंदर सबसे प्रभावी मंत्र है नवकार मंत्र। नवकार मंत्र में 5 पद है, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उवज्जहयानम, नमो सद्भावनम। मैं बहुत चिंतन करता रहा कि इन 5 पदों के साथ 5 रंगों की व्यवस्था क्यों है। नमो अरिहंतानम का यहाँ पर सफेद रंग का ध्यान होता है, नमो सिद्धानम का यहाँ पर लाल रंग के साथ, अरु रंग के साथ, गोल्डन रेड के साथ ध्यान होता है, नमो आर्यानम का यहाँ पीले रंग के साथ ध्यान होता है, नमो उवज्जहयानम का यहाँ पर जहाँ दोनों रिप्स मिलती है हरे रंग का ध्यान होता है, और नमो लोए सर्वसाहुनम का हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बॉटम के ऊपर पैरियम जहाँ बोलते हैं वहाँ पर पे चमकते हुए नीले रंग के साथ ध्यान होता है। यही हमारी परंपरा में जैन परंपरा के अंदर ध्वज के 5 रंग भी हैं। तो मैं चिंतन करता था कि ये 5 पद, 5 रंग, 5 केंद्र, ये सब व्यवस्था क्या है। मुझे थोड़ा थोड़ा जो उसका विज्ञान समझ में आया, प्रकृति ने मूल रंग 4 दिए हैं, लाल, पीला, नीला और हरा। ये प्रकृति के मूल 4 रंग हैं, और सफेद रंग का मिश्रण है, मतलब इन 4 को मिला दे
यदि इन चार रंगों का मैं संतुलन कर लेता हूं तो मेरा पूरा का पूरा संतुलन स्थापित होना शुरू हो जाता है। तो ये चार रंग और उनको बैलेंस करने वाला पांच रंग नवकार के पांच पदों में पांच रंग, पहली बात। दूसरी बात, पांच केंद्र, ये सबसे ऊपर वाला केंद्र हाईएस्ट सेंटर, उसके बाद ये आज्ञा चक्र कहिए, दर्शन चक्र कहिए, पृथ्वी ग्लैंड की ये कंट्रोलिंग ग्लैंड, ये विशुद्धि चक्र जो मेरे सारे के सारे विचार जगत को नियंत्रित करने वाला है। विचारों का पैदा यहाँ पे होता है, यहाँ पे मैनिफेस्ट होता है। विचार के पैदा उत्पत्ति का स्थान पंच स्थान है। चंद्रमा की जब आपको ग्रह शांति करनी होती है तो यहाँ पर सफेद रंग का ध्यान करना होता है। चंद्रमा का रंग सफेद और चंद्रमा का स्थान पंच, और उसके साथ ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, अरिहंत का रंग सफेद, तो ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम गले के ऊपर सफेद रंग का ध्यान किया तो आपने चंद्रमा को शांत किया, क्योंकि चंद्रमा अपना प्रभाव दिखाएगा, चंद्रमा की ग्रह राशि प्रभाव दिखाएगी, सबसे पहले मेरे विचार प्रभाव डालेगी। तो यहाँ पर पीले रंग का ध्यान किया, मैंने विचार वाले तत्वों को ये कंट्रोलिंग को कर दिया, ये आनंद का केंद्र है। यहाँ पे हरे रंग का ध्यान किया, हरा रंग आनंद का ध्यान होता है। तो नमो उवज्जहायनम और नमो सर्वसाधनम, रीढ़ की हड्डी के बॉटम के ऊपर चमकते हुए नीले रंग के साथ ध्यान। नीला रंग स्वास्थ्य का है, नीला रंग शांति का है। तो अब पांच रंगों के साथ पांच पदों का मैंने ध्यान किया तो पांचों मुख्य कर्म केंद्र मेरे एक्टिवेट हो गए। तो फिजिकल साइंस में मेरे न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट हो गया और मेडिटेशन साइंस के अंदर मैंने पांचों पदों का संतुलन कर लिया और उसके साथ नवकार को जोड़ दिया हमने, क्योंकि नवकार हर क्षण अक्षर जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, जब कभी समाप्त नहीं होता, हर अक्षर की जो साउंड होती है वो साउंड अपने आप में एक अपना प्रभाव छोड़ती है। उसकी अपनी गंध है, उसका अपना रस है, उसका अपना स्वाद है, उसका अपना स्पर्श है। अब अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर के एक नया केमिकल कंपोजिशन तैयार होता है, अलग अलग अक्षरों को मिलाकर के एक नया मंत्र तैयार होता है, उन अक्षरों को मिलाकर के नवकार जैसा एक दिव्य मंत्र बना हुआ है। तो जब उस नवकार का उच्चारण उन स्थानों के ऊपर, उन चक्रों के ऊपर, उन ऊर्जा केंद्रों के ऊपर, उस रंग के साथ मिलाकर के जब हम करते हैं तो उन रंगों की ऊर्जा को हम लोग आकर्षित करते हैं, उन केंद्रों को हम लोग एक्टिवेट करते हैं, उसके साथ नवकार की ऊर्जा मिल जाती है और हम अपने आप ही अपने भीतर सारे रंगों का संतुलन, सारी ऊर्जा का संतुलन स्थापित करना शुरू कर देते हैं। पूरा ब्रह्मांड कुछ नहीं, केवल ऊर्जा है। ऊर्जा का ऐसा संतुलन मेरी बीमारी का नाम है, ऊर्जा का ऐसा संतुलन मेरे मन के ऐसे संतुलन का नाम है, ऊर्जा का ऐसा संतुलन मेरे भावों के ऐसे संतुलन का नाम है, ऊर्जा का संतुलन मेरे शरीर का, मेरे मन का, मेरे भाव जगत के संतुलन का, इसके स्वस्थ होने का नाम है। तो महावीर का ये नवकार के साथ पांच पदों का जब ध्यान करते हैं तो मैं अपने अंदर सारी ऊर्जा का संतुलन करता हूँ और जब संतुलन होना शुरू हो जाएगा, लोग कहते हैं कि साहब मेरा पेट ठीक हो गया, लोग कहते हैं कि साहब मेरा हार्ट ठीक हो गया, कोई कहता है साहब मेरा लंग ठीक हो गया, कोई कहता है साहब मेरी किडनी ठीक हो गई, कोई कहता है साहब मेरा कैंसर ठीक हो गया, कोई कहता है साहब मेरा थायराइड ठीक हो गया, कोई कहता है साहब मेरा आर्थराइटिस ठीक हो गया। अरे भाई, ऊर्जा का ऐसा संतुलन था, संतुलन आया तो फिजिकल लेवल पर, तो फिर शरीर पर दिखाई देने वाली बीमारी मन के विकारों का प्रतिबिंब है। लोग